इसराइल के जासूस कितना खतरनाक है आप इसे घटना से अंदाजा लगा लो। 2 जनवरी 1971 का दिन था, 3 इसराइली बच्चों को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने ग्रेनेड बम फेंक करके मार दिया था। इसराइल इसका बदला लेना चाहता था, एक काम सौंपा जाता है इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। मोसाद में जासूस था जिसका नाम था मीर डेगल, जो कि उस समय 23 से 24 साल का था। तो मीर डेगल वो खतरनाक जासूस था, इतना खतरनाक था कि इसको बांध चढ़ करके मोसाद का चीफ भी बनाया गया। तो मीर डेगल ने प्लान बनाया कि हम एक खटारा नाव लेंगे और एक इसराइल की नाव लेंगे, इसराइल की सेना की नाव लेंगे। उस खटारा नाव में हम अपने मोसाद के एजेंट बैठाएंगे और अपने इसराइली नाव से जो सेना की नाव थी उससे दौड़ाएंगे उसको, और वो खटारा नाव भाग के फिलिस्तीन जाएगी। प्लान चला, गोलियां चलाई गई और जब इसराइली मछुआरों वहाँ फिलिस्तीन के मछुआरों ने देखा कि इसराइली की सेना की एक नाव जो थी वो एक खटारा नाव पर दौड़ा रही थी, तो लोगों ने बचाया उसको, बचा के ले गए। पूछे, भाई तुम लोग कौन हो, तुम पे वो इसराइली गोलियां क्यों चला रहे थे? तो बताया कि भाई हम फिलिस्तीन की आज़ादी के जंग लड़ रहे हैं, हम लेबनान से आए हैं और हमारे पास पैसे भी हैं, हथियार भी, हमारी मदद करो, हमको अपने बेस लेयर कमांडर से मिलवाओ। इनकी बात पर भरोसा कर लिया गया, बेस लेयर कमांडर से मीटिंग फिक्स हुई। अगली सुबह मिलने गए, 4-5 कमांडर आए, सोफे सामने बैठे। फिर मीर डेगल ने अपनी घड़ी देखी, ये इशारा था बाकी एजेंट्स के लिए कि बंदूक निकालो, गोली मार दो। जैसे इसने घड़ी देखी, लोगों ने गोली निकाली, बंदूक निकाली और डाक दिया, कहानी खत्म। फिर इनकी जीप लेकर के भाग गई।